गुलाबी बंदर जिसका नाम है पिंकी एक जंगल में रहती है और वह एक जादुई फूल की तलाश में निकलती है। एक दिन जब पिंकी फूलों की खोज में बसी रही तो उसने एक जादुई फूल पाया जो उसको एक अद्वितीय शक्ति देता है। जब वह उसे छूती है तो एक महाज्ञानीय बंदर बाबू उसे एक विशेष यात्रा पर भेजता है। पिंकी फूल की शक्ति का उपयोग करके वह अपने जंगल के बाहर के रहस्यमय दुनिया में पहुंचती है, जहां वह अनूठे जानवरों और मैजिकल स्थानों से मिलती है। इस यात्रा के दौरान पिंकी दोस्त बनाती है और साथ मिलकर एक दुर्लभ राजा को बचाने के लिए एक महासंग्राम में शामिल होती है। उसकी गुलाबी शक्ति से वह और उसके दोस्त राजा को जीवन और रंगों से भर देते हैं। अंत में पिंकी अपने जंगल में लौटती है लेकर साथ में एक नई दोस्ती और जादू से भरा एक अद्वितीय किस्सा। गुलाबी बंदर की यह कहानी दूसरों को यह सिखाती है कि विशेषता की महत्वपूर्णता है और रंग बिरंगी दुनिया की श्रृंगार बढ़ाती है।